गए हमारा प्लानिंग था रील्स बनाने का, बट इनके चल इतना लेट कर दिया भयंकर। सुबह 9 बजे से बैठा हूँ तैयार होके, किधर इधर इधर तुम सबको दिखा दे घर, जो हमारे घर में क्या चलता है। अनुस्थापा ब्लॉग पागल Welcome back to my channel. This is Rishika here. Good morning. Anyways, तो अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, तो अभी मिलती हूँ आपसे रेडियो के फटाफट से 10 बजे जाना से। तो और ऑलरेडी तो साढ़े दोस्तों हम भी हो ही चुके हैं सुबह में, और जल्दी उठ गई थी, बट वही है ना बिस्तर से उठने का मन नहीं करता थे। एनीवेज तो ठीक है, फटाफट से रेडी हो जाती है, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर। बाकी यहाँ पे देखो टीवी देख रही है ए मोटू, हेलो कर दे। तो गाइज मैं रेडी होके यहाँ पे आ चुकी हूँ एंड हमने रील्स वील्स बना लिया है। कल बहुत ज़्यादा मतलब हमने कहीं घूमने नहीं गए, हमारा प्लानिंग था रील्स बनाने का, बट इनके चलते कल रील्स नहीं बना पाए हम लोग, ये सो गए थे। तो यार कब से वेट कर रही हो, अभी मैंने इनको बोला था 10 बजे तैयार होके बैठ जाना, 10 बजे से तैयार होके बैठे हैं, अभी 12 बज चुके हैं। मैंने इसलिए जल्दी बोला था क्योंकि हमेशा लेट होते हैं, इसीलिए चलो चलते हैं। फिर आने में थोड़ा लेट हो जाता है उसके चलते, फिर इनको ठंड जल्दी लगती है। फाइनली चलो, इतना लेट कर दिया भयंकर। 9 बजे से बैठा हूँ तैयार होके, किधर इधर 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 मैं 9 बजे से तैयार होके बैठा हूँ। हेलो रिंग अच्छी लग जाएगा, ये देखिए 9 नहीं 10 बजे के बैठे हुए हैं, मैंने बोला था जल्दी 9 बजे। चलो अच्छी बात है, कभी तो कुछ कहना माना मेरा। अंदर ले तो पहुंच चुके, अब चलते हैं अंदर। चलिए फटाफट से खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। आवाज आ रही गाने के बाद में ऐड करूंगी आवाज को। चलो उठाओ सामान और चलो घर पे। तो चलो गाइस हम निकलते हैं घर के लिए, मिलते हैं आपसे घर पहुंच कर। अब तो ऑडी जाए के पेट भर चुका है, नींद आ रही है बहुत, फिक्र वाली। तो गाइस हम लोग घर में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे चाय वाय पी रहे मस्त एकदम, कोल्ड ड्रिंक। एनीवेज तो यहाँ पे मॉमी और सरांशी ने पूरा ख़त्म कर दिया पॉपकॉर्न ना, वेरी गुड। सब्जी वगैरह ले ली थी, मम्मी ने मंगाया था, नहीं लेके आते तो बहुत गाली देने वाली थी मम्मी। क्योंकि हर बार ऐसे होता था, मम्मी को सामान मंगाती थी, मैं दिमाग से निकल जाता था या मम्मी का चैनल लेके नहीं आते थे हम लोग। हाँ अजीब ही, तो इस बार बहुत अच्छी जैसे कि। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे मामा के घर पे, माई जू मतलब थोड़ा काम वाम देखने के लिए आए थे, बन चुका है, ऑलमोस्ट बन चुका है हमारा नान। अभी जाके अंदर देखते हैं कैसा क्या है, क्योंकि मैं पहले आई थी और अभी आई हूँ मैं, मतलब पहले आई थी जब ये बना ही था, मतलब सिर्फ खड़ा ही रखा था, अभी टाइल्स वाइल्स पत्थर वत्थर भी लग चुके हैं, आपको दिखाते हैं। तो गाइस ये है एंट्रेंस एंड चलिए अंदर चलते हैं हम, कुछ काम वाम हो रखा है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे। अच्छा पेंट हाँ कुछ अच्छा खुशबू आई रहा, हाँ बढ़िया है, अंधेरा है। ये है रूम अटैच, यहाँ पे वॉशरूम, टाइल लग चुका है इधर, एंड किचन ये है, ये किचन है एंड ये है मंदिर, और यहाँ से स्टेयर्स हैं ऊपर छत के लिए, एंड वो स्टोर रूम एंड दिस इज द सेकंड रूम। तो गाइज ये देखिए इस डॉगी को, मतलब मैं काफ़ी टाइम पहले मिली थी, वैसे तो एक ही बार मिली थी तो मैंने प्यार व्यार किया, मेरे को ना डॉगी लोग बहुत पसंद है ना, तो मैं ऐसे गई थी तो उसको प्यार करने लगी, फिर उसको बिस्किट दिया था उस वक्त ना, तो उसके बाद से उसको मैं याद थी। हाँ जब भी मैं शॉप पे जाती हूँ ना, एकदम कहीं पर भी होगा ना, एकदम दौड़ते दौड़ते मेरे पास आएगा, थोड़ा प्यार करती हूँ फिर उसको बिस्किट देती हूँ, फिर खुश होगा फिर चला जाएगा। ये छाड़ी भेजा तो जितने पंछी का था बोला ब्लॉग लगाया और ये पोस्टर मारी थी, और
ये एक सेल इधर है, एक उसके अंदर होगा। दूसरा सेल तूने निकाला था, एक सेल नीचे पड़ा था, दूसरा सेल तू लेके बैठी थी अपने पास। मैंने तो बैठी थी। हाँ जो तो गाइस तो गाइस मंशिका का एक व्लॉग अगर आपने नहीं देखा तो जाके पक्का देखना, बंगाली लुक वाला। उसमें मंशिका ने ऐसा पोज मार रही थी तो बहुत अजीब सा आया था। तो वो सरंच उसको उसी चीज से चिढ़ाती है, वो ना ऐसे लगाती है एकदम, जब उसका सीन आता है ना पॉज कर देती है और सबको बोलती है देखो करके, फिर हम लोग को हंसी आ जाती है। और जब इसकी नजर पड़ती है मंशिका की तो इसको इतना मारती है बेचारी को, बट फिर भी अपने हल्कों से बाज नहीं आती। लगाऊंगी तू कर लेती, तुमने सबको दिखा दे घर हमारे घर में क्या चलता है, तो ये तो दिखाना है लोगों को, फेक थोड़ा दिखाऊंगी झल्ली। तो गाइस ऋषिका था बस ब्लॉग आपको सिर्फ रियल चीजें दिखाती है, कुछ ऐसा फेक नहीं करती है। सो उस चीज को अप्रिशिएट करना सीखो, ये लोग तो करते नहीं है, एटलीस्ट आप लोग अप्रिशिएट। जो लोग कहते हैं अच्छा और बोल कुछ बोल कुछ प्लीज, मुझे कंटेंट दो। कैसे करके करूँ, ऐसे ऐसे कुछ भी करूँ, चल ठीक है ले। और ये खा रही है यहाँ पे आलू के पराठे, और यहाँ पे मस्त देख लिया अपना वीडियो, मैं भी बड़ा खा लेती हूँ। बोल गाइस मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, ब्लॉग अनदर डे। चलो चलते हैं मार्केट, हमारी शॉपिंग हो चुकी है। मैंने यहाँ पे ब्लॉग नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे, और हम लोग बिजी थे शॉपिंग करने के लिए, तो इसीलिए फटाफट से खा के कुछ निकलते हैं घर की तरफ। खा के तो हम लोग आ गए थे, अभी हम यहाँ पे चाय वाय पियेंगे लोग, मैं तो पीती नहीं हूँ चाय। चाय वाय पियेंगे फिर हम लोग निकलते हैं घर के लिए। आज हम लोग बहुत जल्दी जा रहे हैं घर, ऐसे तो कहीं और अभी जा नहीं सकते, बस कल का दिन है, उसके बाद परसों चले जाएंगे। तो कैसा लग रहा है आपको, आप वापस घर चले जाओगे? बहुत अच्छा लग रहा है। जाओ 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 जाओ, गर्मी का एहसास लेंगे, ठंड में हमारी हवा टाइट हो चुकी है, आज आके गर्मी का एहसास लेंगे। इतना अच्छा मौसम है, ये पच नहीं रहा आपको? हाँ मौसम बहुत प्यारा है पे, लेकिन काम भी करना, मतलब झाड़ी वहाँ भी करनी जाके। अभी याद आ रही होगी मुंबई की, यहाँ पे रह के निकल छोड़ के आते हैं आपको। तो गाइस अभी ठीक है, इनको कल छोड़ के आएंगे, ब्लॉग बनाऊंगी मैं, ठीक है? जाने का ज्यादा पड़ा हुआ ना जल्दी। गाइस अभी आग लगा के हम बैठे हुए, मस्त अरे सॉरी आपको कपड़े दिखाना भूल गई मैं, कोई नहीं मैं दिखा दूंगी आपको। मस्त आग में बैठे हुए यहाँ पे सब जला के, यहाँ पे स्वेटर बुन रहे बड़ी, यहाँ पे मेरी नानी बैठी हुई, यहाँ पे मंशिका, एंड बस आग सेक रहे ठंडे ठंडे में। तो क्या आप लोगों को मैंने कपड़े नहीं दिखाए थे, तो ये जैकेट लिया था एक, एंड एक ये वाला जैकेट लिया था, ये दो मेरे को गिफ्टीड है, गिफ्टीड प्यारा लग रहा है ना। मैं एक ही लेने वाली थी बट फिर मेरे को दोनों पसंद आया, बट मैंने बोला दोनों में से कोई एक चूज करो, उन्होंने बोला कि चल तो दोनों ही ले ले, मैंने बोला आ रहे धन्यवाद। ट्राई कर रहे थे ब्लू वाला, फिट नहीं आया, ब्लू वाला टाइट हो गया, ये व्हाइट वाला अच्छा लग रहा है। मैंने बोला था साइज का देख लो ना, मुझे तो आ जाएगा मुझे, ये भी एक्सेल और ये भी एक्सेल ही है, बट ये व्हाइट वाला अच्छा लग रहा है। तो वैसे हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं दूसरे ब्लॉगर के घर पे, बता था पर अभी आया नहीं है वो ब्लॉगर, अभी आएगा मिलाती हूँ आपको दूसरे ब्लॉगर से, अनुस्थापा ब्लॉगर पागल खड़ा ले लेगी आई किस चीज की अभी कल एक आ रखा था ना सब्सक्राइबर था, अच्छा वो आ रखा था, उसे ब्लॉग की कटी आती तो है नहीं, तो ना कितने पास से ले रहा हूँ नेक्स्ट में, मैंने भाई तेरी वीडियो ली तो ली डाली ऊपर इतना बड़ा हुआ है, बहुत कॉन्शियस है ये अपने उसको लेके। एनीवेज इसका बेबी यहाँ पे सो रहा है, अश्विक नाम है ना इसका। ये देखिए पूरा अनुज है, ये तो पूरा
सो रहा भयंकर वो स्मार्ट है ना। अच्छा लेकिन करती हो वाली फीलिंग देगी। तो गाइस फिर ब्लॉग का यही पे एंडिंग करते हैं हम। एक्चुअली मैं आउटरो शूट करना मैं भूल गई थी लाइक बहुत ज्यादा, मतलब मेरे को दिमाग से मेरे को लगा मैंने शूट कर रखा है बट अभी चेक किया तो जब एडिट कर रही थी ना ब्लॉग तो नहीं किया हुआ, तो इसलिए अभी कर रही हूँ शूट। एनीवेज तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, कमेंट भी कर देना। ओके तो ठीक है गाइस फिर मिलते हैं आपसे ऐसे ही वीडियोस के साथ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।